ऑक्सीजन, यूँ तो ये असीमित है और बड़ी आसानी से उपलब्ध है, मतलब इतनी आसानी से उपलब्ध है कि हमने इसकी ज़रूरत के ऊपर कभी ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन अब आज के दौर में इसकी अहमियत वही लोग समझते हैं जिन्हें चंद सांसों के लिए भी एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ती है। एक स्वस्थ इंसान के पास तो सांसों की कोई कमी नहीं, मगर धूम्रपान करने वाले अपने फेफड़ों को कमज़ोर कर कोरोना वायरस और कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारियों का काम आसान बना रहे हैं। सिर्फ सिगरेट ही नहीं बल्कि गुटखा, हुक्का, पान, बीड़ी, खैनी, जर्दा इत्यादि, ये सब आपके शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। आपके साथ हो या आपके आसपास, छोटे बच्चे हो या युवा, बुजुर्ग हो या गर्भवती महिलाएं, आपके द्वारा छोड़ा गया धुआं उनके लिए भी उतना ही खतरनाक है। कहीं आपकी ये लत आपके अपनों के लिए कैंसर और कोरोना से बड़ा खतरा ना बन जाए। तंबाकू युक्त पदार्थों को छोड़ने के कई फायदे हैं, जैसे दिल की धड़कन यानी कि आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर का सामान्य होना, खांसी, थकान और सांस टूटने की शिकायत का कम होना, मुंह, गले, भोजन नली, ब्लैडर, फेफड़े, सर्विकल कैंसर इत्यादि का खतरा कम होना, शरीर में खून की मात्रा का सही संचार और आपके फेफड़ों का बेहतर काम करना। इतना सब जान के भी अनजान ना बने रहे, आप सबको खुशी होगी ये जान के कि तंबाकू सेवन की लत को छुड़ाने में आप सबकी मदद करने के लिए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग द्वारा पंचकूला, अंबाला, कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम के सिविल अस्पतालों में तंबाकू समापन केंद्र की स्थापना की गई है। आप जरूर जाएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं। याद रखें, आपका ये कदम आपके और आपके अपनों के स्वस्थ जीवन का वादा है। आइए हरियाणा स्वास्थ्य विभाग की इस मुहिम में हम सब मिलकर एकजुट होकर साथ निभाएं, तंबाकू सेवन पर रोक लगाएं, हरियाणा राज्य को एक बार फिर से जिताएं। कमेंट टू क्विट। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.haryanahealth.nic.in पर या टोल फ्री नंबर पर कॉल करें।